डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये मेरा थर्ड ब्लॉग है दोस्तों, तो आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन है और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10 और हम काफ़ी लेट से उठे हैं। देन मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बस मैं बैठे थोड़ा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर का मौसम दिखाती हूँ, इतना बेहतरीन मौसम मेरी पटना का। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा मौसम, चलिए दोस्तों मैं अभी आपको ऊपर का मौसम दिखाती हूँ। तो मैं छत पे जा रही हूँ, देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मेरे कपड़े भी यहाँ पे भीग रहे हैं और मेरे पेड़ देखिए कितने हरे भरे हो चुके हैं। काफ़ी छत पे भी पानी देखिए भरा हुआ है, कैमरा काफ़ी हिल रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए अब मैं अपनी ऑडियंस से अच्छे से जुड़ सकूँ और अच्छे से अच्छा ब्लॉग फैला सकूँ, पर थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं खुद ही कैमरा भी पकड़ी हुई हूँ इसी की वजह से, और मेरे बच्चे हैं नहीं घर से। पटना बहुत गर्मी पड़ती है, चलिए अब बारिश में नीचे जा रही हूँ क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए फ्रूट्स, वो मैं कट करके उनको दे रही हूँ और मैं यहाँ पर अपना लंच रेडी करने के लिए जा रही हूँ। कि दाल में चढ़ा, मैंने दाल कुक करना शुरू कर दिया है और दाल के बाद यहाँ मैं अपना कैमरा भी सेट करने लगी। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना बैगन भाजा मुझे बनाना था, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बैगन कट करने लगी। आई होप दोस्तों बैगन भाजा की रेसिपी भी मैंने इसमें शेयर की है, अगर कुछ आप किस तरह से बैगन भाजा बनाते हो आप कमेंट्स में ज़रूर बनाना। तो मैंने काफ़ी हल्के मसाले ही इसमें डाले हैं, सिर्फ हल्दी मिर्च, नमक और काली मिर्च और जीरा पाउडर करके बस फिर मैं फ्राई करती हूँ, बस ज़्यादा मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड रोटी के साथ भी ये बहुत खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये तो मेरा फेवरेट है ही और मेरे बच्चों का भी काफ़ी फेवरेट है दाल चावल। तो मैं ज़्यादातर मैं दाल चावल ही कुक करती हूँ लंच में, तो वही मैं कट करके उनको। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर आपको मिल गया, थोड़ी सी रेसिपी दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। हल्दी में दाल चावल देखिए, दाल नमक बल ही रही, काली मिर्च मैंने ऐड किया है। आज तो मुझे बहुत लेट हो गया था लंच बनाने में, बनाती हूँ मौसम बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत लेट उठी थी। मैं चावल भी रेडी कर लिए लंच और उसके बाद मैं यहाँ फ्राई करने जा रही हूँ कैमरा सेट भी कर बैगन भाजा। तो यहाँ देखिए काफ़ी टेस्टी लग रहे थे और तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बैगन लग रहा है वो बना रही थी। यहाँ देखिए लंच मेरा रेडी हो चुका है, मैं जा रही थी लंच करने के लिए क्योंकि दाल चावल लंच कर चुके थे और यहाँ मैं सीधा शाम का शूट कर रही हूँ। रात का जो मेरे हवर लेटे हुए थे और टीवी चल रहा था, यहाँ मेरे मम्मी बेटी कट कर रही हूँ और उसने खाना खाने से मना कर दिया और मैगी बना कर ले आई। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए। हल्की फुल्की रेसिपी भी दिखाने की कोशिश की है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है इसमें, बस जो मसाले हैं बस सूखे मसाले इसमें डलते हैं और फ्राई हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मेरे बच्चे स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि 1:30 बजे तक वो लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं लंच जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी।